सौ आदमी गाड़ी चल रही थी, 25-6 दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। तुम जानते हो हम आए हैं नरके नारायण बनने के लिए, और उनको सर्वगुण संपन्न 16 का संपूर्ण दैवी गुणधारी देवता कहा जाता है, और दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होते हैं। 14 कला वालों में भी 2 कला कम हो जाती है, जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है फिर कम होती जाती है, कम होती होती बाकी एक सब पत्री लिख जाके बचती है, परंतु वो सारा गुम नहीं होता, कुछ न कुछ लीक रहती है। उस लीक को मुसलमान लोग चंद कहते हैं। क्या मुसलमान लोग उसको क्या कहते हैं? चंद। लीक हुई चंद। चंद शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? क्या है चंड शब्द? पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग क्या हुआ? चंडिका। ये चंद और चंडिका का क्या अर्थ हुआ? चंडिका देवी के बारे में क्या बोला है मुरली में? हाँ, तो चंडाल और चंडिका देवी भी गायी हुई है, उन्होंने भी कुछ न कुछ पवित्रता का रूप धारण किया है, तो उनकी पूजा होती है, लेकिन ये तामसी रूप की पूजा है। चंड जैसे चंद्रमा को कहा जाता है मुसलमानों में, ऐसे ही वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जब शंकर के मस्तिष्क में अति तामसी बन जाता है, थोड़ी सी लीक जाकर के बचती है, क्योंकि संबंध की दुनिया में 4 अवस्थाओं की शूटिंग होती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो तामसी स्टेज में जब लीक जाकर के बचती है तो तामसी स्टेज गई जाती है, और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जब तामसी बनता है तो वो जिस देवी में प्रवेश करता है वो भी कौन सा रूप धारण करती है? है? महाकाली अर्थात चंडिका का रूप धारण करती है। अब तुम्हारी ये सब बेहद की बातें हैं, यहाँ कोई स्थूल बातें नहीं है, तुम संपूर्ण करते हो तो सब संपूर्ण बन जाते हैं, दिखाते हैं ना। कृष्ण के मुख में माताएं चांद देखती है, भक्ति मार्ग में क्या दिखाया है? यशोदा माता को क्या दिखाया गया? यशोदा माता को भगवान ने विराट रूप का साक्षात्कार कराया, तो विराट रूप किसका विराट रूप दिखाया? जो रामकृष्ण की सोल है वही जब संपन्न रूप धारण करती है तो विराट रूप हो जाता है। तो ये संपूर्ण चंद्रमा की बात है, जब संपूर्ण चंद्रमा होता है तो जैसे विष्णु रूप बन जाता है। ये सारी यहाँ की बातें जिन बातों की समझानी बैठ देते हैं, अभी तुमको संपूर्ण बनना है, अभी बने नहीं है, माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, किसको लगता है? चंद्रमा को लगता है या सूरज को लगता है? चंद्रमा कहते तो है सूरज, क्या सूरज
सूरज ग्रहण कहते हैं, लेकिन वास्तव में सूर्य के ऊपर अंधेरा नहीं आता, वो तो सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो पृथ्वीवासी लोग जो चंद्रमा की परछाया में आ जाते हैं, उनको सूर्य का वो हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता। तो लोग समझते हैं कि सूरज ग्रहण लग गया, चंद्रमा की परछाया में पृथ्वीवासी जो लोग आ जाते हैं उनको सूर्य स्वयं दिखाई पड़ता नहीं, और कहते क्या है, सूर्य ग्रहण लग गया। एक तरफ सूर्य, बीच में चंद्रमा, इधर पृथ्वी, तो चंद्रमा का परछाया कहाँ पड़ा जाती है, पृथ्वी के ऊपर। तो पृथ्वीवासी जो भी उस परछाए के अंदर आ जाते हैं वो क्या समझते हैं, सूर्य ग्रहण पड़ गया। अब सूर्य तो आपका गोला है, आपके गोले के ऊपर परछाया पड़ने का तो सवाल पैदा ही नहीं है। ये स्थूल बातें नहीं है, ये क्या है, ये ज्ञान की बात है। कोई ज्ञान सूर्य है जो पाठधारी के रूप में ब्राह्मणों की संगम निधि दुनिया में पाठ बजाएगा, कोई ज्ञान चंद्रमा है, जिस ज्ञान चंद्रमा का परछाया पृथ्वी माता के ऊपर पड़ता है। जब पृथ्वी माता के ऊपर परछाया पड़ता है तो जो पृथ्वीवासी लोग हैं, जो उस परछाए से प्रभावित हो जाते हैं, क्या जो उस परछाए से प्रभावित हो जाते हैं, वो उनकी मति भ्रम हो जाता है। वो ये समझते हैं कि सूर्य को ग्रहण लगे। तो ये कहां की बात हुई, ब्राह्मणों की संगम निधि दुनिया में ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि सूर्य के ऊपर विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। वास्तव में सूर्य पर ग्रहण नहीं लगता, ग्रहण किसको लगता है, चंद्रमा को लगता है। कब लगता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। पृथ्वी जो है उसका परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, सूर्य एक तरफ है, सूर्य की रोशनी के लिए पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी की रोशनी पड़ती है चंद्रमा के ऊपर। माने पृथ्वी जब चंद्रमा को अपने परछाए के अंदर ले लेती है तो पृथ्वी का पृथ्वीवासी क्या समझते हैं, चंद्रमा को ग्रहण लग गया। यानी चंद्रमा के ऊपर परछाया पड़ सकता है पृथ्वी का, लेकिन सूर्य के ऊपर परछाया किसी का पड़ता नहीं है। तो ये माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है। तो संपूर्ण ग्रहण लगने से जाकर के लीन बनती है। अभी हम सीढ़ी उतर के चले आए मुसलमानों में संपूर्ण चंद्रमा माना जाता है बहुत, उसकी मान्यता ज्यादा है या अधूरे चंद्रमा की ज्यादा मान्यता है, अधूरे चंद्रमा जो लिख के रूप में चंद्रमा दिखाया जाता है उसकी मान्यता बहुत देते हैं। अभी सबको सीढ़ी उतरनी, तभी से सबको वापस जाना पड़े। तुम तो अभी बहुत थोड़े, जिनकी बुद्धि में ये बातें गहराई से बैठी हुई है वो बहुत थोड़े हैं। आज से वृद्धि होगी, पढ़ाई में बहुत नहीं होते हैं, तुम्हारे सेंटर से भी धीरे धीरे बढ़ते हैं। एक धर्म ढेर सारे सेंटर से नहीं हो जाएंगे, तभी नजदीक आता जाएगा, फिर समझेंगे इनमें क्या है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी भी कहते हैं हमने समझा था कि ये कहां तक चलेगा, खत्म हो जाएंगे। शुरू शुरू में इस डर से बहुत भागते, क्या
बेसिक नॉलेज में भी भाग गए तो एडवांस नॉलेज में भी शुरू शुरू में बहुत भाग गए, पता नहीं क्या होगा, न यहाँ के रहेंगे और न वहाँ के रहेंगे, न इस अलौकिक ब्राह्मण दुनिया के रहेंगे और न बाहरी दुनिया के रहेंगे, ऐसे समझ करके बात है। तो सोचा भागो, फिर उनमें से आते बाप की तरह सहज रीति बैठ समझाते हैं, इन अबलाओं अहिल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, इन्हों का भी उद्धार तो होना ही है। कहती है बाबा हम तो कुछ पढ़ लिखी नहीं है, बाप कहते हैं कुछ भी नहीं पढ़ी लिखी हो तो बहुत अच्छा है, जो साथ साथ सब कुछ पढ़े हुए हो वो सारा भूल जाओ, मैं कुछ जाति नहीं पढ़ाता हूँ, सिर्फ कहता हूँ अनप को पहचानो और याद करो, क्या ज्ञान माना, क्या ज्ञान माना, जानकारी, काय की जानकारी, बिंदी की जानकारी नहीं, एक होती है बिंदी नुक्ता और एक होता आलप और एक होता बे, तो इन तीनों में मुख्य जानकारी किसकी लेनी है, आलप, आलप माना जो पहला नंबर है, नुक्ता को कोई नंबर नहीं दिया जा सकता, पहला नंबर नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि वो तो गिनती में आता ही है, जो गिनती में आवे जो चंकर चक्कर में भी आवे, जो सच्ची चक्कर में नहीं आता वो तो बिंदी है, वो सुप्रीम सोल है, वो किसी चक्कर में आता नहीं, तो उसका नंबर नहीं दिया जा सकता, वो ज्योति बिंदु से चक्कर से ही बाहर, तो नंबर किसको दिया जाता है, अपर नंबर दिया जाता है उसको जो ऑलराउंडर पूरे चक्कर में पार्ट बजाता है, तो वो है अलग। अब अलग को जाने कैसे, उसके लिए ज्ञान का सारा विस्तार देना पड़ता है, तो अलग को याद करो तो फिर बादशाही तुम्हारी हो जाएगी। याद कैसे करेंगे, पहले जानेंगे फिर याद करेंगे, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, मेरा किसे कहा जाता है, बेड़ा कहा जाता है शरीर को, शरीर को नैया भी कहते हैं, नैया का खेवैया है शिव सुप्रीम सोल, और उसमें बिठैया है आत्मा, और पतवार कौन सी है, ज्ञान योग की पतवार, तो तुम्हारा बार बेड़ा पार कब होगा, जब तुम अलग को याद करोगे, बच्चा पैदा हुआ कहेंगे बाबा, तो वो बाबा कहने से ही बच्चे का हकदार बन जाता है, यहां भी हकदार तुम बन जाते हो, सिर्फ दिल से कहो क्या मेरा बन, बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी, इसलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन, साहूकार लोग इस ज्ञान में जल्दी नहीं आते, उनका पिछाड़ी का पार्ट है, पहले गरीबों की बारी है, तो बाबा गाया जाता है गरीब निवास 25-66 का तीसरा दिन, आगे चल करके देखना बड़े बड़े साहूकार तुम्हारे पास आते ही आवेंगे, क्या अभी तुम उनके चक्कर काटते हो, वो सुनते नहीं, जो बड़े बड़े ज्ञान रत्नों के साहूकार दुनिया में माने जाते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो भी तुम्हारी बात सुनते नहीं, आगे चल के क्या होगा, ये बड़े बड़े चाहे हद के साहूकार हो और चाहे हद के ज्ञान रत्नों के साहूकार हो, बड़े बड़े मठाधीश बन करके बैठे हुए, आगे चल के ये अपने आप आगे भी नाम आवेंगे,
इन मेहताओं का भी उद्धार हो गया। किसे कहा जाता है मेहता? कोई भी चंदाल कहा जाता है। लास्ट में आ रहे हैं, अभी दुत्कार रहे हैं, तो दुत्कार में भी कारण उनका पद दिल निकाली गायब है। कहते हैं राम ने भीलनी के देर खाए, वास्तव में राम नहीं खाता है, शिव बाबा भी नहीं है कैद खाने वाला, शिव बाबा तो बोलता है। हाँ हो सकता है इस ब्रह्मा को भीलने के जूते देर खाने पड़े, दिलनी आदि आएगी, समझो टोली लेकर के आए तो अंगीकार करना पड़े। यज्ञ के आदि में भी कौन आती थी? एक दिलनी आती थी ना, आते ही बाबा के गले में पड़ जाती थी, बड़ी सभा तो अंगीकार करना पड़े ना, या उसको धक्का मार के गिरा देंगे? भगवान है तो सबका उद्धार करते हैं। दीवनी गड़िकाएं सब आवेंगी, झिलनी है संसार की नजरों में गिरी हुई है वो भी आ गएंगी, गणिकाएं गणिकाएं की नहीं कहा जाता है, जो गीत गाती है भगवान की, गीत मुख से गाती है, लेकिन अपने प्रैक्टिकल जीवन में भगवान को जानने और पाने का पुरुषार्थ नहीं करते। तो ये भीलनी गणिकाएं आवेंगी तो तुम भी बेर खावेंगे और हम भी खावेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोक्ता, तुम्हारे साथ आवेंगे सभी आवेंगे, देखना गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ, इनको इन गणिकाओं गिरनियों को उठाओ। बाहर की गणिकाओं बिल्कुल ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसी गणिकाएं ये गीत गाती है भगवान के, लेकिन भगवान को प्राप्त करने का और उससे मिलने का पुरुषार्थ नहीं करते। तो गवर्नमेंट भी कहेगी इनको उठाओ, तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी, बाबा गरीब निवाज है तो हम भी गरीबों को समझा रहे, गिरनियों से भी निकलेंगी, इतना बड़ा झार है इनमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं बचा है। पांच सौ सात सौ करोड़ का झार और उसमें देवी देवता सनातन धर्म का एक भी नहीं बचा, सब कन्वर्ट हो गए, सभी धर्मों में कन्वर्ट हो गए, इसलिए हिंदुओं की जनसंख्या कम रह गई और दूसरे धर्मों की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही। अब बाप कहते हैं जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ, यानी वो नहीं समझाओ क्या समझाओ, जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ, क्यों किस कौन श्रद्धा में लगे, जिनकी पूजा करते हैं उनके नाम रूप गुण का काम करता तो कुछ जानते नहीं, तो उनको समझाओ तुम देख रहे हो ये सैंपलिंग कैसे लगता है, कैसे लग रहा है, है? इतने धर्म फैले हुए हैं, इस्लाम धर्म बहुत धर्म कितने धर्म कितने धर्म फैले हुए, उन सब धर्मों में से श्रेष्ठ आत्मय चुन करके माउंट आबू में ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनाई गई, और जो ब्राह्मण बने हैं तो वो एक ही कैटेगरी के होंगे या नौ कैटेगरी के होंगे,
ब्राह्मण की नौ कुड़ियां लागी थी भक्ति मार्ग। तो नौ धर्म है दुनिया में, तो नौ धर्मों के जो भी विशेष विशेष आत्माएं हैं वो चुन करके आकर के ब्रह्म बन जाती है। वही चुनी हुई आत्माएं अनेक जन्मों के दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुई आत्माएं है ना, तो वो जल्दी नहीं सुधर पाती। तो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई, अनेक जन्म दूसरे धर्मों में रही है, तो जल्दी से कन्वर्ट होने का सवाल ही नहीं। उनको टाइम लग जाता है, कोई लास्ट में निकलेंगे, कोई पहले ही निकल आते हैं। तो बताया कि तुम जानते हो कि ये सैंपलिंग कैसे लेते हैं, माने उधर से उन धर्मों में से निकले और ब्राह्मण धर्म में आगे, ब्राह्मण धर्म में भी आने के बाद एकदम कन्वर्ट नहीं होते कि एकदम ब्राह्मण पक्के बन जाए, नहीं, कच्चे ब्राह्मण। और जो कच्चे ब्राह्मण बनेंगे वही फिर कच्चे देवता बन जाते, कोई 16 कला संपूर्ण बनेंगे, कोई 16.25 कला संपूर्ण बनेंगे, कोई 16.5, कोई 15.5, कोई 15। ये कैटेगरी हो जाती है, जिस नंबर के ब्राह्मण बनेंगे उसी नंबर के देवता बनेंगे। ब्राह्मण कैसे बनते हैं, जो सूर्य श्री चंद्रवंशी देवता बने होंगे वो तो आगे जाते हैं, उनकी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि बताया जो अपने कुल का होगा वो थोड़ा भी सुनेगा हटात से उसकी बुद्धि में बिजली से कौन जाएगी और हमारी बात को मान लेगा। तो ब्राह्मण कैसे बनते हैं तुम जानते हो, इतना जरूर है जो थोड़ा भी सुनेगा वो स्वर्ग में जाएगा। क्या है? थोड़ा भी सुनेगा तो स्वर्ग में जरूर आना। अभी तो ब्राह्मण की दुनिया में कितनी तादाद हो चुकी है, छह सात लाख। तो 6-7 लाख स्वर्ग में आ जाएंगे पहले जन्म में। और चंद्रवंशी दो ही तो है, 4.5 लाख सूर्यवंशी है, 4.5 लाख चंद्रवंशी है, दोनों मिल करके फिर देवी देवता का रत्न धन बनेगा। तो बोला थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आ जाए। तो स्वर्ग है 16 कला संपूर्ण होगा या कम कला वाला होगा, संपूर्ण तो स्वर्ग होगा। तो जो 16 कला संपूर्ण स्वर्ग होता है उसमें आने वालों की टोटल संख्या कितनी हुई, 9 लाख। बाबा ने काशी करवट का भी निशान सुनाया, स्वर्ग में आने की बात कर रहे, स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। कौन आ जाते जी? जो डायरेक्ट बाप से आकर के सुनेंगे वो स्वर्ग में आ जाएंगे। बोला काशी करवट का भी मिसाल बाबा ने सुनाया है, शिव पर जाकर के बलि चढ़ते थे, ऐसे समझते थे हुआ है तो खांडा लगा हुआ है ज्ञान का खांडा, और उसमें जाकर के एंगल के आधार पर फूट पड़ते थे, समझते थे हम शिव पर बलि चढ़ ले। तो जो बलि चढ़ते हैं मान्यता ये थी उनके पूर्व के सारे पाप बंद हो जाते थे। तो जो ऐसी बलि चढ़ते हैं उनको भी कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए ना, अब उसको टैली कहाँ से करना है? तो भक्ति मार्ग की बात बता दी, टैली कहाँ से करना होगा? ब्राह्मण की संगति की दुनिया से यहाँ भी चरित्र होते ऊपर आकर के सरेंडर तो होते हैं, लेकिन सरेंडर होने के बावजूद पूरी बात गहराई तक समझते नहीं। तो बताया उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए, तो भी बलि करते हो उपसार करते हो राजाई के लिए, भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं है क्या?
भक्ति मार्ग में तो भक्ति करते रहो। गुरु लोग समझाते हैं भक्ति की पूरी नहीं हुई तो अगले जन्म में फिर भक्ति करनी पड़ेगी। फिर वो तो और इतनी बात समझा देते हैं कि 84 लाख योनियों में जाके जन्म लेती है, जाते 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद कहीं एक जन्म जाती मनुष्य से मिलेगा, उसमें भी अच्छा पुरुषार्थ कर लिया तो मनुष्य से देवता बन सकते। अब ऐसी तो कोई बात है, ये तो यहाँ संगदुख की बात है। 84 जन्मों के अंतिम जन्म में आकर के परमात्मा बाप हमको मनुष्य से देवता बनाता है, मनु की औलाद मनुष्य बनाता है, मनुष्य से ब्राह्मण बनाता है और ब्राह्मण को पढ़ाई पढ़ाकर शिक्षा देकर के फिर देवता बनाया जाता है। तो भक्ति मार्ग में राजाई की बात नहीं है, ये तो ज्ञान मार्ग है। इस ज्ञान मार्ग में ही भगवान बाप आकर के पढ़ाई पढ़ाकर राज्य शिक्षा करके जन्म जन्मांतर का राजा बनाते। वो भक्त लोग तो कहते हैं कि भगवान से जब ज्ञान मिलता है तो मुक्ति हो जाती है सदा का। बाप कहते हैं बाप को हो जाता सदा काल के लिए किसी की मुक्ति हो जाए ये तो हो ही नहीं सकता। भगवान की भी मुक्ति नहीं होती। भक्ति के भक्ति वाले में गाते हैं कल पर पलक प्रभु अवतार, प्रभु भगवान जो है वो हर कल पाते हैं। तो जब भगवान को ही हर कल की सृष्टि पाना पड़ता है तो मनुष्य आत्मा में सदा काल की सृष्टि कैसे हो सकती। तो क्या होता है जो शिव का ज्ञान लेते हैं अर्पण होते हैं उनको कुछ न कुछ पुरुषार्थ के अनुसार राजाई मिल जाती है। भक्ति मार्ग में भी जो शिव पर अर्पण करते हैं अपने को तो उनके पूर्व जन्मों के पाप बच हो जाते हैं, उनकी सजा भोग करके चुप्पु कर देते हैं। फिर नए जन्म नया जन्म मिलता है और फिर तीव्र गति से पाप करना शुरू कर देते। बाकी रहना तो सबको है। नंबर वन में भी तुम हो क्या, तुम्हारा धर्म नंबर वन है और दूसरे धर्म जो है वो सब नंबर वन है। तुम ही 84 जन्म भोगते हो चाहे सूर्यवंशी आत्मा है 4.5 लाख, चाहे चंद्रवंशी आत्मा है वो 4.5 लाख, वो 9 लाख आत्मा ऐसी है, 9 लाख सारे ऐसे है कहते हैं जो 84 जन्म लेते हैं। सबको सत्व जो तमो में आना होता है। बाप कहते हैं इस समय सारी गुण सृष्टि का ध्यान जनरल मिले हुए, चाहे 84 जन्म लेने वाले हो और चाहे कम जन्म लेने वाले हो, चाहे अभी अभी उतरी हुई सत्व प्रधान आत्माएं हो, वो सब दुखी होने वाले होते हैं। आखिर जन्म सबकी जटड़ी की उत्पत्ति हो जाती। इस झाड़ की आयु भी 5,000 वर्ष तो बिल्कुल ही घोर अभियारी कुंभकर्ण की सोए पड़े। एक कुंभकर्ण नहीं है, ये तो अनेकों है। तुम कितना भी उनको समझाते हो फिर भी उनकी बुद्धि में बैठता है, सुनते ही नहीं। तो को शास्त्रों में लिखा है जब जगाया जाता था तो उसके कानों में बड़े बड़े ढोल बजाए जाते थे, वो चलता ही नहीं था। ढोल मजीरे की बात नहीं है, ये तो बड़े बड़े ज्ञान के बॉम्ब फेंके जाते हैं फिर भी उसके कान में आवाज पड़ती नहीं, सुनते ही नहीं। जिनका पाठ है वो सुनते हैं और उसको शांत करते हैं और कोई मातृता के दिल पर रखते क्या, उनका पाठ नहीं है ध्यान सुनने का वो मातृता के दिल पर चढ़ेंगे भी नहीं। इसलिए गुजरात संदेश देखा जाए कि संदेश क्या देगा कि माला के मणकों में जो के चेहरे दिखाई गए थे उन चेहरों में से एक भी दीदी दादी दादाओं का देखा। बहुत वंडर लगा
तो नंबर वन में तुम आते हो, पुरुषार्थ करते हो माता पिता के दिल में, सत्य नसीब भी वो नहीं वो ही बनेंगे। कई बच्चियां पूछती हैं बाबा हमें बच्चों को मारना पड़ता है, बाप कहते हैं इन बातों का इतना कुछ नहीं है, बच्चे शैतानी करते हैं तुमको मारना पड़ता है, ये कोई बहुत बड़ा पाप बन गया है, ऐसी कोई तुम पुकारती हो पतियों को कावन बनाओ, बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, ऐसे नहीं कहा जाता क्रोध महाशत्रु है, क्या कहा काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु क्यों नहीं कहा, काम जो है तो बीज है, काम विकार आता है तो दूसरे सारे विकार आते हैं उससे जुड़े हुए, काम विकार के ऊपर कंट्रोल कर लिया मन सारे विकारों के ऊपर कंट्रोल कर, इसलिए शंकर जी को क्या दिखाते हैं, क्या वसू किया ये नहीं कहा क्रोध वसू कर दिया, लोग वसू कर दिया नहीं, काम विकार वसू कर दिया, तो जब काम विकार वसू हो जाता है तो दूसरे विकार पीछे पीछे स्वतः ही नष्ट हो जाता है, जैसे जगह तो का मुहिया हो और वही खराब कर दिया जाए तो दूसरे चोर चकार तो अपने आप आ जाए, तो माताओं में इतना क्रोध नहीं होता है, पुरुषों में क्रोध बहुत होता है, क्यों है? माता है बच्चे शैतानी देते हैं, माता है उसको थप्पड़ अपड़ मार देती हूँ, बाबा कहते हैं ये कोई बहुत बड़ा क्रोध नहीं हुआ, ज्यादा क्रोध किस में होता है, पुरुषों में ज्यादा क्रोध तो बहुत लड़ते हैं, मारा मारी करते हैं और पुरुष ज्यादा बड़ी बड़ी लड़ाइयां किस में लड़ेगी, पुरुषों में या स्त्रियों में, अब बाप ने तुमको माता को आगे किए बंदे मातरम गाया हुआ है, नहीं तो माताओं को कहते हैं कि अपने दूल्हा पति को ईश्वर गुरु सब कुछ मानो, वही तुम्हारा ईश्वर है वही तुम्हारा गुरु है और इन्हीं की मत पर सारी जिंदगी तुमको चलना है, किसको कहते हैं, जब शादी होती है तो माता पिता सिखाया जाता है हथियारा बांधा और थक से काम कटाने लगी, ये इनको ईश्वर मिल गया, अरे अब ये सब बंद करो, राम राज्य स्थापन होता है ना, जो राम राज्य की स्थापना में सहयोगी बनेंगे वो ही जीवित बचेंगे, बाकी सब मरते जाते हैं, राम राज्य की स्थापना में जो अपोजिशन करेंगे वो सब खराब हो जाएंगे, जो सहयोगी बनेंगे वो बचे रह जाएंगे, बाबा ने समझाया है बिना सकाले की प्रीति बुद्धि देखा बड़ा वाला तीस बाई चार दिन क्या लिखा है, उनके ब्राह्मण बैठे हुए हैं और उनके ऊपर लिखा हुआ है बिना सकाले विपरीत बुद्धि विनत कर, सीढ़ी में नीचे के चित्र में लिखना चाहिए बिना से काले विपरीत बुद्धि विनत करते और ऊपर सीढ़ी में लिखना चाहिए बिना से काले विपरीत बुद्धि विजय से, क्योंकि जहाँ 40 वर्ष लिखा हुआ है चित्र में 40 वर्ष कब पूरे होते हैं, 76 में जो ब्राह्मणों पर लिख लिया था उनमें से कुछ ब्राह्मण जो है वो एडवांस में डाले जाने आने के बाद ऊपर पहुंच गए वो विजय प्राप्त हुए और जो नीचे रह गए वो सब विनाश को प्राप्त हो गए, विनाश को प्राप्त हो गए माने परमात्मा जो आया हुआ साकार पाठकारी है उसको अनिश्चय बुद्धि हो जाती, उसको पहचान नहीं पाते,
तो साकार के प्रति नित्य बुद्धि माना विजय हुई और साकार के प्रति अनित्य बुद्धि माना विनय। तुम्हारी है परमपिता परमात्मा के साथ स्थिति की बुद्धि, परंतु वो परमपिता परमात्मा तो निराकार है। निराकार है लेकिन वो निराकार जो है जब तक साकार में ना आए तब तक तुम किसी बुद्धि बन नहीं सकते, उनको तुम चटक नहीं सकते। चटक माना बाकी बहते ना, तो उनको तुम निराकार को बाकी नहीं कह सकते। तुम्हारी आत्मा जानती है शिव बाबा इन्हें में आते हैं, इनमें इसमें या इनमें रामकृष्ण है, दो आत्माएं हैं जिनमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं, इन द्वारा हम सुन रहे हैं। एक के द्वारा बेसिक नॉलेज सुनते हैं, दूसरे के द्वारा एडवांस नॉलेज सुनते हैं, एक द्वारा नीचे की पढ़ाई बेसिक पढ़ाई सुनते हैं, दूसरे द्वारा ऊंची पढ़ाई सुनते हैं। आत्मा आत्मा को क्या पति है, वो तो छोटी बिंदी है, लेकिन ये शिव बाबा का टेम्पररी ग्रंथ है क्या? इनको चटकने से कोई फायदा नहीं है। कहते हैं शिव बाबा को याद कर फिर इनकी गोद में आओ, अगर सीधे इनकी गोद में पहुंच गए और शिव बाबा भूल गया तो गति हो जाए। पहले शिव बाबा को याद करो फिर इनकी गोद में आओ, नहीं तो पाप लग जाए। मान लिए बोला शिव बाबा किसको कहा जाता है, साकार निराकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। तो ब्रह्मा के तन में आया था तो साकार नहीं था, साकार तो था। शिव बाबा को याद करो फिर इनकी गोद में आओ, तो उसमें तो ब्रह्मा की बात हो गई कि ब्रह्मा की गोद में जाने से कोई फायदा नहीं है और इनको चटकने से भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो चाहते भी थे तो अगर उनकी बुद्धि में ये है कि हम शिव बाबा की गोद में जाते हैं तो वो तो थोड़ा भावना का भाड़ा मिल सकता है। इनकी गोद में आए और शिव बाबा अगर भूल गया तो पाप लग जाएगा। मनुष्य तो बेचारे इन बातों को जानते हैं, इसलिए बाकी की ये खबरदारी रखी जाती है। आज समाधियों ने एक भाटी का चित्र हाथ कर लिया, बच्ची गोद में आई होगी और बाबा ने उसको गोद में लेकर के भाटी पहन ली। आज समाधियों ने वो चित्र खींच लिया, बहुत हंगामा मचाया। यह भी लूट है क्या? यह भी ड्रामा में नूंग है फिर भी ऐसे ही होगा। तुम्हारी समाजी आत्माएं होगी सर एडवांस पार्टी में, वो फिर ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे। बाबा की गोद में जो बच्चे प्यार ले रहे होंगे साकार में प्रीति निभाई जा सकती है, निराकार से तो प्रीति होती नहीं। साकार का तो ब्रह्मा कुमार तुम्हारी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हमें किससे प्यार मिल रहा है? निराकार। अरे निराकार से प्यार होने की बात ही नहीं, निराकार से प्यार और ईर्ष्या देश की बात ही नहीं होती। यहाँ तो साकार है, साकार से ही प्रीति होती है और साकार से ही विपरीत बुद्धि होती है। तो पहले भी चित्र हाथ कर लिया था तो कितना हंगामा मचाया, ये भी मूड है फिर भी ऐसे ही ड्रामा में होगा। अनेक प्रकार के विघ्न ये गुण पढ़ते रहते हैं, जहाँ जाओ वहाँ या अपनी चौपड़ी बांटते रहो,
ये आर्यसमाजियों का काम है क्या? अपनी पुस्तकें छपाते हैं, उनमें जो चाहे वैसे चाहे चित्र बनाए और चित्र बना करके पब्लिक में बांटते रहते हैं। इनके पास पैसे बहुत हैं, तो करते हैं बहुत करते हैं। संस्थाओं के पास मिलते जुलते रहते हैं, यहाँ तो पूरा पूरा पूरी पूरी तालाब होता है, थोड़ी थोड़ी बूंद जो गरीब बच्चे हैं थोड़ा थोड़ा डालते हैं, तो यहाँ तो पूरी पूरी तालाब भरता है। क्योंकि तुम जानते हो ये तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाए। तुम्हारे पास जो हो पौड़ी पाई है वो तुम ईश्वरीय सेवा में लगाते रहते हो। क्यों लगाते रहते हो? क्योंकि जानते हो ये सब बैंक बैलेंस जितना बढ़ता जा रहा है लोगों का, वो सब सारा मिट्टी में मिल जाएगा। क्या होगा? इसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा था, किसकी ले जाए के सोचता है, किसकी आग लगाए, कुछ भी बचेगा नहीं। इससे तो ज्ञान यज्ञ में सफल हो जाए तो अच्छा। सुदामा का भी मिसाल है क्या? कि दो मुट्ठी चावल ये कि दे दी, उनके पास था ही नहीं कुछ। अब जो स्थूल बुद्धि है वो तो स्थूल बात बोल रही है, वो माताएं आकर के दो दो मुट्ठी चावल ये कि डालती रहती। बड़े बड़े साहूकार होते हैं तो बोरा दो बोरा चार बोरे डाल देते, बोरे के बोरे ठक ला के डाल देते। चावल की बात नहीं है, गाय की बात है, रुद्रमाला और विजयमाला। रुद्रमाला की 108 विशेष आत्म है और विजयमाला की 108 विशेष आत्म है, इनके ऊपर देवान का छिलका चढ़ा हुआ होता है। उन आत्माओं का देवान का छिलका उतार करके और उनको ईश्वर की सेवा में अर्पण करने को कहा। किसने अर्पण किया? सुदाम, सुमद सुंदर, दाम माने धन संपत्ति वाला, जो सुंदर धन संपत्ति वाला। कौन? उसको बाणधारी नाम कह दो या तो सुदाम कह दो। तो सुंदर धन संपत्ति कौन सी हुई? जो श्रेष्ठ ईश्वरीय सेवा है वो ईश्वरीय सेवा अपने हित में न लगाना, उन श्रेष्ठ आत्माओं की माला तैयार करके ईश्वरीय सेवा में विश्व कल्याण के कार्य में अर्पण कर देना। तो सुदामा का जो मिसाल है वो तुम्हारे बच्चिया के बाबा के पास चावल मुट्ठी 6-8 आना भेज देती, बाप कहते हैं बाहर बेटी। अब बाप तो गरीब निभा रहे, ये सब ब्राह्मण गुरु फिर भी होगा, बांधे लिए हैं, बाबा कहते हैं बाग उठा लिए। क्या था जो बांधे लिए हैं उनको बाबा क्या कहते हैं? तुम बाबूशाली। अच्छा, जो बांधेले नहीं है छुटेले स्वतंत्र है वो बाबूशाली नहीं है? क्यों? क्या कारण? कोई कारण तो होगा ना, क्या कारण होगा? बांधेले में जिसको जितने ज्यादा बंधन होते हैं उनको उतने ज्यादा याद आती है, और जो जितने ज्यादा छुटेले होते हैं तो उनको उतनी याद नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि दुनिया में दारी में इधर उधर भटकती रहती है, उनको लगाव होता है कि हम कब मौका मिले और कब हम जाकर के मिले, तो वो उनकी पूर्ति हो नहीं पाती, इसलिए याद उनको बहुत ही किया। तो तुम बाबा कहते बाप मिल गया, बड़ी भाग्यशाली हो, शिव बाबा का हाथ तो मिल गया ना तुमको। क्या बोलता? रूपी हाथ बाबा का तो मिल गया ना, एक दिन आवेंगे सब। क्या कितने भी बांधेलियों को बांधने वाले हों लेकिन उनको भी बाबा के सामने आना जरूर पड़ेगा।
इसलिए क्या बोला कि एडवांस में जो भी एक बार आ जाता है उसको वरदान मिला हुआ उसका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चले जाता है। आगे सब ये आर्य समाज आज भी आ गई, कहाँ जाएंगे? चाहे बाहर की दुनिया के आर्य समाज हो, उनमें से भी छटक के आ रहे हैं, एडवांस में जो आ रहे हैं वो भी छटक के आ रहे हैं, लेकिन जो भी है कोई भी धर्म वाले आ रहे हैं वो एक बार आकर के फिर जुटेंगे। जीवन मुक्ति और मुक्ति की एक ही हस्ती है, हस्ती मन एक ही दुकान है जहाँ से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। सजाएं खा करके सबको मुक्ति मिले जाते, ऐसा एक भी नहीं बचेगा जो मुक्ति में न जाए। 500-700 करोड़ की दुनिया है, मुक्ति में तो सब जावेंगे लेकिन जीवन मुक्ति में जाने वाले नंबर वन। सब वापस जानेंगे, वहां जब एक भी नहीं रहेगा हर बार जावेंगे सब फिर से वापस जाएंगे। परम धाम में सारी आत्माएं आती जाएंगी, आ जाएंगी और जब सारी आ जाएंगी लास्ट आत्मा भी आ जाएगी, तब फिर सबको इकट्ठा वापस करेंगे। परम धाम की बात हो रही है, परम धाम है ऐसे चलो हम तुम्हें शांति धाम घुमाए लगा। लोग जाते हैं तो कहते हैं हाँ कोई तो क्या हो गई वो शांति धाम का नजारा उन्हें अनुभव होता है थोड़े समय के लिए। तो जो भी ऐसी आत्मा है लास्ट वाली आत्मा है जो लास्ट की वहां बची हुई है वो उनमें से भी आखिरी आत्मा आएगी जरूर, बाप के सामने आके मस्तक झुकावेगी जरूर। जब सब वापस आ जाएंगे तब सब हमको इकट्ठा होकर वापस जाना है। उसकी यादगार क्या है साथ को? है कोई यादगार में दिखाते हैं सब जाते हैं, देवताएं भी जाते हैं, राक्षस भी जाते हैं, भूत प्रेत भी जाते हैं, राम राम की बारात नहीं। इसलिए कहा जाता है साजन और सजनी की बारात, कैसे बारात जाएगी वो भी साक्षात्कार होगा, तुम्हारे सिवाय और कोई देख नहीं सकता। तुम बच्चों को एक ही बाप को याद करना है, दो चार बापों को उनको याद करते हैं, एक ही बाप और दो चार बाप की क्या बात हुई? जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं वो दूसरे बाप के बनते हैं ना, तो जिसके बनते हैं उसको याद नहीं करते हैं। तुमको एक ही बात को याद करना है, बाप है कितनी छोटी सी जिंदगी। तो कहते हैं जिंदगी को कैसे याद करें? अरे तुम आत्मा भी तो छोटी जिंदगी हो ना, मैं भी जिंदगी हूं, मुझे परम पिता परमात्मा परम नाम में रहने वाला कैसे? परम पिता भी कहते हैं माने आत्माओं में जो भी है, जो भी आत्मा बिंदु बिंदु है उन सब का पाप। और परमात्मा परम पिता भी कहते हैं परमात्मा भी कहते हैं, ये दो बातें क्यों आती है? परम पिता परमात्मा ऐसे क्यों नहीं कहते परमात्मा परम पिता जैसे कहते हैं शिव शंकर? ऐसे क्यों नहीं कहते शंकर जी? क्यों नहीं कहते? कारण होगा ना, कोई शब्द दो अलग अलग है ना। शिव माने कल्याणकारी,
संक्रमण है, श्रृंगार करने वाला। तो कहाँ सृष्टि का श्रृंगार करना, सारे आय आय करेंगे है? हर हर बम बम कहते हैं, बम फटेंगे तो सारी दुनिया आय दिया तो वो मचाएगी कि नहीं? तो कहाँ श्रृंगारकारी शंकर और कहाँ सारी सृष्टि का कल्याण करने वाला देव? तो अंतर हो गया ना, देव और शंकर। देव का नाम पहले और शंकर का नाम बाद। पहले देवताओं में बड़ा देवता कहा जाता है कौन? शंकर। वो देव, देव महादेव कहते तीन देवता है सबसे बड़े, ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता और शंकर महादेव। तो महादेव क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि उसने बड़ा कार्य किया, जो कार्य और किसी देवता ने नहीं किया और किसी धर्म पिता ने नहीं किया, वो कार्य उसके द्वारा कराता है ना परमात्मा के। तो शंकर का नाम शिव के साथ जुड़ा हुआ है, लोग कह देते हैं शंकर एक ही, शिव शंकर एक नहीं है, शब्द अलग अलग है तो उनके अर्थ भी अलग अलग है। शिव बिंदु का नाम है, जो मंदिर में शिवलिंग के रूप में रखा रहता है, बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बनाया वो है शिव। और बाजू में मंदिर में शंकर की मूर्ति रखी रहती है, दूसरे दूसरे जो देवताएं होते हैं उन देवताओं के बीच में शंकर की मूर्ति होती है। तो शिव ज्योति बिंदु का नाम, और शिव जिसमें प्रवेश करता है मुकर रूप से उसका नाम शंकर पड़ता है। वो अपने बड़े बच्चे में ही प्रवेश करे, जो ज्ञानी तो आत्मा होती है वो बच्चा बड़ा होता है, जिसमें ज्ञान बड़ा ठहरा वो बड़ा ठहरा। तो बच्चों में जो भी देव आत्मा बनने वाले बच्चे हैं उनमें जो ज्ञान धारण करने वाला बड़े से बड़ा बच्चा उसको तीसरा नेत्र शिव नेत्र दिखाएगा। तो परम पिता परमात्मा भी इसी अर्थ में कहा जाता है, परम पिता है शिव और आत्माओं के बीच में परम पाठधारी है वो हीरो पाठधारी, उसको कहते हैं परमात्मा। दोनों मिलकर के फिर परम पिता परमात्मा कहा जाता है। परम धाम में रहने वाला है, बाप कहते हैं मैं बिंदी हूँ, इनकी बाजू में आकर के बैठता हूँ। इनकी बाजू चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, इनकी बाजू में आकर के बैठता हूँ, इसलिए ये भागी का लिंग है। बाजू में आके कृष्ण की बाजू में, दाई बाजू है या बाई बाजू है? एक तो प्रश्न में आता है उसमें भी विराजमान होता है बाजू, और एक शंकर में आता है उसमें भी बाजू में विराजमान होता है। तो मेरा राइटियस बच्चा कौन है और लेफ्टिस बच्चा कौन है? राइके शंकर है, है? अच्छा त्रिमूर्ति में कौन है? त्रिमूर्ति में राइके कौन है? राइट साइड में कौन बैठा है और लेफ्ट साइड में कौन बैठा है? ब्रह्मा राइट साइड में बैठा है और शंकर लेफ्ट साइड में बैठा है। तो जो लेफ्ट साइड में बैठा है वो काम किसी के बस का है नहीं, और राइट साइड में जो बैठा है ब्रह्मा उनको ब्रह्मा एक नहीं होता, ब्रह्मा तो अनेक भी होते हैं। ब्रह्मा तो चार मुख के कार्य है, पांच मुख के कार्य है, पंचानन कहा जाता है, चतुरानन कहा जाता है। तो ये भाग्यशाली रथ है, इनके बाजू में आकर के बैठता हूँ। बाजू मन राइट साइड में बैठता हूँ या लेफ्ट साइड? राइट साइड। ये पाकिस्तानी रथ है, नंदीगढ़ एक रखते हैं, मंदिर भर बहुत है, बाप कहते हैं मेरा रथ ये है, फिर भी सब किसी में जा करके प्रवेश करके मदद करता हूँ। बड़ा रथ एक ही है, इसे आज से अंत तक मैं प्रवेश करके अपना पाठ बजाता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कि एक में ही रहता हूँ हमेशा,
दूसरे बच्चे की नंबर बार संसार संसार है रुद्रमाला के, रुद्राक्ष की जो मड़के होती है उनके मुख दिखाए जाते हैं, कोई के कितने मुख कोई के कितने मुख। भक्ति मार्ग में कहते हैं एक मुख का मड़का बहुत गिरता मिलता ही नहीं। एक मुख का मड़का का मतलब क्या हुआ, जिसमें से एक सुप्रीम सोल से भी ही प्रवेश करता है, वो एक ही बात बोलता है, दो दो बातें जिंदगी में नहीं करता है। ये नहीं कि परीक्षाओं में आ जाए, परिस्थिति फंस जाए, कोई बहुत ऐसा जबरदस्त व्यक्ति उसके सामने फंस जाए तो दो दो बातें करने लगे, नहीं, एक ही बात है। और वो एक ही बात इसलिए है क्योंकि उसमें एक ही सुप्रीम सोल से प्रवेश करके काम करता है। तो मैं प्रवेश तो करता हूँ लेकिन एक रथ में बर रूप से और बाकी बच्चों में नंबर वार। कोई बच्चा ये कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा हो, क्यों, क्योंकि मेरे आने और जाने का किसी को पता ही नहीं लगता। एक मुगल रथ में कैसे प्रभावित होगा जब आने जाने का पता ही नहीं चलता। एक को मुकर कैसे कहते, मुकर इसलिए कहते हैं कि इसके द्वारा मुकर रूप से पार्ट बजाता हूं वो वंडरफुल पार्टधारी, उसके द्वारा जो भी कार्य करता हूं वो कल्याणकारी कार्य होता है, जो भी वाचा बोलता हूं वो सच्ची साबित होती है, जो भी वाइब्रेशन चलाता हूँ वो वाइब्रेशन तुरंत असर करने वाले हो। बच्चे भी समझते हैं, आज तो बाबा ने मुरली चलाई, अच्छा फिर भी बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अब बाप को याद करो, ये तो समझते हो। अब ये रात पूरी हो रही है और दिन हो रहा है, कौन सी रात पूरी हो रही है, ब्रह्मा की रात पूरी हो रही है और अब ब्रह्मा का दिन शुरू हो जाए, वही चंद्र वाली बात। शंकर के मस्तक पर अधूरा चंद्रमा दिखाते हैं, वो अब अधूरा चंद्रमा संपन्न होने वाला है, संपन्न होने वाला है माने रात पूरी होने वाली है और नया ज्ञान का दिन शुरू हो जाए, माने ब्रह्मा का दिन अब शुरू होने वाला है। तो बच्चे कहते हैं बाबा ने मुरली बहुत अच्छी चलाई, आधा कल्प है स्वर्ग आधा कल्प है नरक, तो ये हार जीत का खेल है। अब हाहाकार होकर के फिर जय जयकार, क्या था, चाहे वो बेसिक नॉलेज हो और चाहे वो एडवांस नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज में तो जय जयकार हो रही है चारों तरफ, लेकिन ये जय जयकार भी होना कम शुरू हुई जब कराची में पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो क्या हो रहा था, हाहाकार हो रहा था, हाहाकार। और दूसरी तरफ हैदराबाद में कराची में उनके बंगले में जय जयकार हो रही थी, तो ऐसे ही बताया। अब एडवांस पार्टी में भी ऐसे ही हुआ, क्या एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार, पहले हाहाकार होगी फिर जय जयकार। तुम जानते हो शिव बाबा के पास हम रेफरेंस होते हैं, क्या और आत्मा रेफरेंस कर पाए या न कर पाए, लेकिन बाबा के पास जो बच्चे पहुंचते हैं उनको खुशी जरूर होती है, रेफरेंस हो जाते हैं फिर जाकर के रेफरेंस करना भी है। ऐसे नहीं बाबा से पावर तो भर ली फिर दूसरों को पावर न बांटे। शिव बाबा कहते हैं जैन धर्म स्थापन कर बाकी सबको वापस ले, कोई भी समझ नहीं आ गया सबको पैगाम देते हो, और धर्म वाले सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते वो वापस नहीं ले जाते, और बाप आकर सबको वापस ले जाते। इसलिए जान के चित्र में ऊपर सब चित्र बना हुआ है शंकर का चित्र, साबित हो जाता है कि शंकर का चित्र जहाँ बना हुआ है वहां सब आत्माएं ऊपर जा रही है, मन वो ही बात
तो ये दोनों कार्य करते हैं, धर्म की स्थापना भी करते हैं और पुराने धर्म का, पुराने धार का, पुरानी नीतियों का, कुरीतियों का विनाश करते हैं। बुलाते हैं पति पावन आओ, अच्छा माता पिता बाप दादा का याद किया,